उन पे इसीलिए अन्याय हो रहा है कि उन्हें यूनिवर्सिटी बना दी और उनका धर्म दूसरा है। अच्छा भाई, क्या हो गया? फैसले में फर्क होता है, ये फैसला हुआ। बीजेपी के अंदर के लोग हैं, जो अंदर लोग बैठे हैं, उन सबने कहा कि आजम खान साहब मुसलमान है, इसलिए उन्हें इस तरह की सजा का फेस करनी पड़ रही है। आजम खान साहब के ऊपर लगातार इसी तरह का हमला हो रहा है और बड़ी साजिश की वजह से उनके साथ इस तरह का व्यवहार हो रहा है। बीजेपी के नेता और कुछ बाहर से लाए हुए अधिकारी ये उनके साथ साजिश पहले दिन से करते रहे, और ये बात हो सकता है मैं गलत कहूँ, हो सकता है लोग मेरे पे टिप्पणी करें, लेकिन ये भी हो सकता है कि नेता बड़े हैं, वो यूनिवर्सिटी बना दी इसलिए उन्हें ये सजा मिल रही है। आप काम कर मत करिए बीजेपी की तरह, आप काम मत करिए, बस नफरत फैलाइए। जहां आपको जाति की नफरत मिल जाए वहां फैलाइए, धर्म की नफरत फैल जाए धर्म की फैलाइए। तो मुझे तो ये भी लगता है कि कहीं धर्म के कारण उनके साथ इतना अन्याय ना हो रहा हो, और सबको यकीन है और सब जानते हैं उन पे इसीलिए अन्याय हो रहा है कि उन्होंने यूनिवर्सिटी बना दी और उनका धर्म दूसरा है। आजम भाई क्या कहेंगे इस फैसले को? आजम भाई क्या कहेंगे? फैसले में फर्क होता है, ये फैसला हुआ जी, तो क्या फैसले के खिलाफ आप इसमें अपील करेंगे? आईडी नीचे रख लेते, विचार करेंगे। अरे यार अदनान भाई, हमारे वकील लोग करेंगे विचार इस पर। तो क्या लगता है सजा पे आपको ज्यादा? कल से ही पूरे शहर को मालूम था, आपके छोटे चैनल्स पर चलने लगा था कितनी सजा होनी है, क्या कहें इससे ज्यादा, ये भी मालूम था कितनी सजा होनी है, कल से मालूम था, आपने जजमेंट देख लिया होगा, अरे आज पता चला। और उनके परिवार को न्याय मिलेगा, उनके खिलाफ बड़ी साजिश, बड़े षड्यंत्र हैं, और साजिश षड्यंत्र का ही परिणाम है कि आज उन्हें इस तरह की सजा का सामना करना पड़ रहा है। और उन्होंने यूनिवर्सिटी बनाई, और बीजेपी के लोगों का कहना है, बीजेपी के अंदर के लोग हैं, जो अंदर लोग बैठे हैं, उन सबने कहा कि आजम खान साहब मुसलमान है, इसलिए उन्हें इस तरह की सजा का फेस करनी पड़ रही है।